सती प्रथा से तो सभी लोग वाकिफ हुए ही, सबसे बड़ी कुरीति थी, एरड़े अभिलेख में इसका सबसे बड़ा साक्ष्य मिलता है। तो सती प्रथा क्या थी? क्योंकि ब्रिटिश जब भारत में आए तो उन्होंने भारत को एज अ व्यापार इस्तेमाल किया, यहाँ से चीजें ले गए, वो कभी भी यहाँ बसने नहीं आए थे। निम्न वर्ग में महिलाएं सशक्त ज्यादा होती हैं क्योंकि वो बाहर जाती हैं, पुरुषों के साथ साथ काम करती हैं, खेतों में काम करती हैं, बैलों का काम करती हैं। आज बात करती हूँ मध्यकाल के समाज के बारे में। मध्यकाल का समाज कैसा? तो पहले तो समझ लेते हैं कि मध्यकाल का जो भारतीय समाज है उसको, मध्यकाल के समाज को हम बांटते हैं 13th सेंचुरी से लेकर के 16th सेंचुरी तक का जो काल था उसे हम मध्यकाल का, उसे हम मध्यकाल में कंसीडर करते हैं, ठीक है। 13वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक के काल को हम मध्यकाल में। ऑनलाइन स्टूडेंट को आवाज आ रही है? ठीक है, ओके। तो मध्यकाल की जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि मध्यकाल के समाज को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि मध्यकाल का जो टाइम पीरियड था, मध्यकाल का जो समाज था, वो बहुत ही लंबे समय तक रहा है। तो पहले तो उसमें राजपूताना समाज था, पहले राजपूत थे, उसके बाद में इस्लाम, मुस्लिमों की एंट्री हुई तो वो इस्लामिक समाज था। और दोनों ही समाज की अपनी अपनी विशेषताएं थी, एक एक विशेषता को हम समझेंगे। जब हम राजपूत काल के समाज की बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि राजपूत काल के समाज में जो सबसे पहली अच्छाई या बुराई, दोनों ही मामलों में हम इसे देख सकते हैं, सामंतवादी व्यवस्था थी। अब ये सामंतवादी व्यवस्था होते क्या है? देखो, सामंतवादी व्यवस्था मैंने क्यों कहा कि अच्छाई बुराई दोनों ही पार्ट, पहले तो आप इस बात को समझें कि जब भी हम कहीं अच्छा शासन, अच्छा प्रशासन करना चाहते हैं तो विकेंद्रीकरण करते हैं ना सत्ता का, करते हैं, कहते भी हैं कि पावर्स का विकेंद्रीकरण करने से हम समाज पर अच्छे से किसी भी नियम को अच्छे से क्रियान्वयन कर सकते हैं, इसे लागू कर सकते हैं। इसीलिए तो होता है ना, अगर अपनी लैंग्वेज में समझें तो डीएम होता है, डीएम के अंडर में एसडीएम होते हैं, फिर नायब तहसीलदार होते हैं, होता है ना। तो सामंती व्यवस्था में कुछ ऐसा ही था कि एक राजा के अंडर में कई सारे छोटे छोटे राजा बना दिए गए थे जिस पर ये राजा होल्ड करता था, और इनके अंडर में कुछ कुछ भूभाग इन्हें दे दिया गया, कुछ भूभाग इन्हें दे दिया गया, ये उस भूभाग का कर वसूलते थे। और जब राजा को जरूरत पड़ती थी कि कोई भी बाह्य आक्रमणकारी बाह्य आक्रमण कर रहा है तो ये सब अपनी सेना लेकर राजा के पास पहुंच जाते थे। तो ये एक अच्छी बात है ना कि अब राजा भी ज्यादा सख्त है और ये लोग भी, राजा केवल अगर इतने बड़ी सोसाइटी को देखता तो शायद उतने अच्छे से नहीं देख पाता। तो इन्होंने क्या किया, विकेंद्रीकरण कर दिया अपनी पावर का। अब जब विकेंद्रीकरण कर दिया तो अब ये अच्छे से होल्ड कर सकते हैं। ये तो हो गई सामंतवाद की अच्छाई। अब हम बुराई देखते हैं। बुराई क्या है? राजा ने इन सबको कर वसूलने की जिम्मेदारी दे दी, लेकिन डिसाइड नहीं किया कि कितने प्रतिशत कर आप वसूल सकते हो। तो अब क्या हुआ, जिसका जितनी मर्जी हुई उस हिसाब से उसने कर वसूला। अब ये बहुत बड़ी बुराई हो गई। तो ये सामंतीवाद की प्रथा, ये कहीं ना कहीं अच्छाई के बजाय बहुत बड़ी साबित हो गई। ठीक है, समझ में आया कि सामंतवाद क्या था? सामंतवादी जो प्रथा थी, सामंतवादी जो व्यवस्था थी, वो क्या थी? मूलतः ये कर वसूलने की एक व्यवस्था थी, जरूरत पड़ने पर राजा को सैन्य सहायता प्राप्त होती इन छोटे राजाओं से। ठीक है, तो राजपुताना समाज में सामंतवादी व्यवस्था थी। दूसरा हम देखते हैं समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति। भाई ये तो बहुत ही गंभीर विषय है, समाज में स्त्रियों की दयनीय विषय स्थिति। अब दयनीय से आप क्या समझते हो? देखो, होता क्या है, स्त्रियां उसी समाज में सशक्त हो सकती हैं जहां, अभी हम समझेंगे कि वहां दयनीय क्यों थी। देखो, हमेशा आप लोगों ने देखा है कि एक बहुत ही अजीब सी बात है कि हमेशा
अगर इस समाज में हम देखेंगे राजपूताना समाज में, तो समाज कई सारी जाति कुरीतियों की कुरीतियां व्याप्त थी, कई सारी जाति व्यवस्था में डिवाइड था, जिसमें उच्च कुल, निम्न कुल, शूद्र वंश, न जाने क्या क्या चीजें थी। तो आपने हमेशा एक चीज देखी होगी कि शूद्रों में महिलाएं ज्यादा सशक्त होती हैं कंपेयर टू उच्च वर्ग की महिलाओं में। उच्च वर्ग की महिलाओं को घर से निकलने की आजादी नहीं होती है। यहाँ वही चीजें थी, निम्न वर्ग में महिलाएं सशक्त ज्यादा होती हैं क्योंकि वो बाहर जाती हैं, पुरुषों के साथ साथ काम करती हैं, खेतों में काम करती हैं, बैलों का काम करती हैं। पर उच्च वर्ग की स्त्री ना हमेशा घर में रहती हैं, घर में ही, अब जो भी उनको कष्ट है, बाहर की दुनिया तो वो देखती नहीं है, बाहर के दोस्त नहीं होते, बाहर की चार औरतें नहीं मिलती उन्हें, तो वो घर में ही रहती हैं। तो एक तो कंडीशन ये हो जाती है, आप ये समझो, एक छोटी सी बात आपको बताएं, आपको पता है जेल में सारी सुविधाएं हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो जेल में नहीं मिलता। खाना भी मिलता है, रहने को भी मिलता है, चार लोग बातें करने के लिए भी मिलते हैं, खेलने कूदने के लिए बहुत सारा फील्ड होता है, सब कुछ होता है जेल में। उसके बाद भी जेल कष्टदायक क्यों है जानते हो? वहां एक शब्द है आजादी, वो नहीं होती। अपनी मर्जी से आप कहीं जा नहीं सकते, बाहर की दुनिया नहीं देख सकते, आपका टाइम पीरियड फिक्स होता है कि इतने बजे आपको अपनी बैरक में चले जाना है, इतने बजे बैरक लॉक हो जाएगी। तो वो जो आजादी होती है वो यहाँ पर स्त्रियों के पास नहीं थी। लड़की औरतें शिक्षित नहीं थी, ठीक है, अभी हम धीरे धीरे और पढ़ेंगे। सती प्रथा थी, जौहर प्रथा इस समाज में थी, विधवा पुनर्विवाह जैसी चीजें थी नहीं, बाल विवाह था, तो वो सब चीजें भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर है शिक्षा और वैज्ञानिक सोच का पिछड़ापन। अब शिक्षा से क्या मतलब है? देखो, शिक्षित तो लोग थे, लेकिन कौन लोग शिक्षित थे? जैसे हम महाभारत को जब देखते हैं तो उसमें एक चीज हम लोग देखते हैं कि कर्ण बहुत अच्छे धनुर्धर थे ना, लेकिन क्या कमी थी पास कि उनको सबके साथ, सभी क्षत्रिय राजपूतों के साथ में सिखाने से मना कर दिया गया था, क्योंकि वो निम्न कुल के थे, उन्हें राजाओं के साथ, राजा के पुत्रों के साथ में धनुर्विद्या सिखाने के लिए मना कर दिया गया था। तो अब वही समझ लीजिए कि यहां पर क्या था, अब शिक्षा का अधिकार किसे था? उच्च वर्ग के लोगों को था। शिक्षा कैसी थी? परंपरागत शिक्षा थी, संस्कृत पढ़ेंगे, वेदांत पढ़ेंगे। उन्हें नई टेक्नोलॉजी, नई राजनीति, नई टेक्नोलॉजी या नई साइंस से कोई मतलब नहीं था, ठीक है? तो शिक्षा, शिक्षा इसलिए कह सकते हैं कि भाई विश्व में जो ये तो पुनर्जागरण का काल था ना, जहां यूरोप में लोग पुनर्जागृत हो रहे थे, जहां डिकार्ट का शब्द था आई थिंक देयर फॉर आई एम, डिकार्ट ने कहा है ना आई थिंक देयर फॉर आई एम, यानी मैं सोच सकता हूं कि मैं हूं। तो जहां ये सब शब्दों की बात हो रही थी, वहां हम उसी वेदांत, उसी पारंपरिक संस्कृति, संस्कृत की शिक्षा में बंधे हुए थे, इंग्लिश से कोई मतलब ही नहीं था। उसके बाद विज्ञान या सोच का पिछड़ापन। देखो, विज्ञान वैज्ञानिक से तो हम पीछे थे ही, और यहाँ वैज्ञानिक दृष्टि का सीधा सा मतलब तर्कवाद से है कि हमें तर्क करने की क्षमता नहीं थी। तर्क, देखो, जब समाज में चार लोग, चार अलग अलग वर्ग, अलग अलग जगह के लोगों को एक साथ पढ़ाया जाता है, तब उनमें अलग अलग मनोभाव होते हैं और अलग अलग तर्क करने। लेकिन जब भी हम देखते हैं कि जब उच्च वर्ग के, सेम वर्ग के सभी एक गुरु के पास, सभी के लड़के ही पढ़ रहे हैं, तो वहां तो जो वो तो सेम मानसिकता के लोग ही पढ़ रहे हैं ना, वहां अलग मानसिकता के तो लोग हैं नहीं। तो यहाँ पर तर्क कहाँ पनपता है? तर्क हमेशा वहां पनपता है जहां अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग, अलग अलग जगह से आए लोग होते हैं, वहां लोगों की मेंटेलिटी अलग अलग होती है, फिर वो तर्क करते हैं, फिर वो एक किसी अच्छे सोल्यूशन पर पहुंचते हैं। तो यहाँ तर्क का पिछड़ापन इसलिए कहा जाता है। जातिवाद, भाई जातिवाद तो बहुत ज्यादा था ही, याद होगा 1857 के विद्रोह की जो हम लोग मूवी देखते हैं, मूवी में ही देख लो भाई, पिक्चरों को तो कहा ही जाता ना समाज का आईना होती है। तो जब हम मूवी देखते हैं 1857 की विद्रोह की, तो उसमें देखते हैं कि मंगल पांडे से एक, मंगल पांडे चूंकि ब्राह्मण थे ना, तो मंगल पांडे से एक झाड़ू लगाने वाला, यानी मेहतर कहता है कि तुम मेरे साथ ही खाओगे,
और उसे छूने की कोशिश करता है और कहता है अब तो मेरे ही ग्लास में पानी पियोगे। कहते हैं क्या बोल रहा है, तो जानते हो तो वो क्या था भाई, वो भी मंगल पांडे भी इंसान थे, वो भी इंसान थे, तो यहाँ कोई मानवतावाद तो था नहीं। मंगल पांडे उसे दूर भगाते हैं क्योंकि वो उसे छूने की कोशिश कर रहा है, यानी यहाँ छुआछूत बहुत ज्यादा था, पिछली जाति के लोग बराबर में नहीं बैठते थे, शूद्र वर्ग के यहाँ हम भी जो सामान्य वर्ग था वो कभी पानी नहीं पीता था, मेहतर वगैरह को छूता भी नहीं था। तो ये सब चीजें तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इस काल में प्रिवेल कर रही थी, डाउट अभी भी गांव में इसके साक्षी देखने को मिलते हैं। फिर हम सामाजिक कुप्रथाएं, देखो इतनी सारी चीजें बताई हैं, इन्हीं से देख लीजिए कि बाल विवाह था भाई, जाहिर सी बात है बाल विवाह का तो एक सीधा कंसेप्ट समझो, हमने जो हमने खुद भी अपनी दादी वगैरह से सुना है कि उनका बाल विवाह ही हुआ था, इवन मदर का भी बाल विवाह हुआ था। बाल विवाह का जो सीधा सा कंसेप्ट लोगों ने निकाला वो ये निकाला लड़कियों से, उन्होंने बोला देखो बाल विवाह ज्यादातर लड़कियों का होता था, लड़कों का बहुत कम हुआ है। बाल विवाह का देखो एक होता है कन्या एक कुमारी, कुमारी में डिफरेंस क्या होता है थोड़ा इसे ना, जो हमारे वेदों के हिसाब से लोगों ने अपनी कथाओं में हम लोगों को सुनाया है, मैं उसके हिसाब से बता रही। कन्या वो लड़की होती है, जैसे आपने आज तक जो ये नवरात्रि में दुर्गा खिलाई जाती हैं, छोटी छोटी कन्याएं खिलाई जाती हैं, कभी सोचा है इस कन्या और कुमारी में डिफरेंस क्या होता है? कन्या वो लड़की होती है जिसे जो मासिक चक्र होता है जब तक कि उसे नहीं स्टार्ट होता है तब तक वो कन्या कहलाती है, जब उसे मासिक चक्र स्टार्ट हो जाता है तब वो कुमारी कहलाती है। तो इन लोगों ने जो कंसेप्ट निकाला वो ये निकाला कि पर कन्या कन्यादान किया जाता है, कुमारी दान नहीं किया जाता है। तो कन्यादान करना है 8-9 साल तक ही, जब तक कि मासिक चक्र का स्टार्टिंग ना हो उससे पहले ही हम बेटी का कन्यादान कर दें, उससे हमें ज्यादा पुण्य मिलेगा। देखो ये सब कुप्रथाएं हैं, मैं इसकी कोई तारीफ नहीं कर रही हूं, पर वो किस हिसाब से इसे डिफ्रेंशिएट करते थे मैम इस तरीके से बाल विवाह के रूप में, तो यहाँ बाल विवाह कहीं ना कहीं वो भी एक मेन कारण था, शादी कर दी कि भाई कन्यादान, नहीं तो कल को कन्या नहीं रहेगी ये कुंवारी हो जाएगी, कुंवारी समझ गए। तो ये बाल विवाह ये सब कुप्रथा, देखो कभी हर चीज का लॉजिक। उसके बाद सती प्रथा, भाई सती प्रथा से तो सभी लोग वाकिफ हो ही, सबसे बड़ी कुरूति थी, एरड़ अभिलेख में इसका सबसे बड़ा साक्ष्य मिलता है। तो सती प्रथा क्या थी, चलिए एक लाइन में बता देती हूँ। जब किसी का पति पत्नी से पहले मर जाता था तो पत्नी को भी साथ में पति के खुद को होता था, या पति की सैया के साथ ही लेट जाती थी, या नहीं लेटती थी तो लोग जबरदस्ती परिवार वालों से लेटा देते थे। उसके कारण बहुत सारे हैं, एक सती प्रथा पर मैंने वीडियो बनाया है यूट्यूब के चैनल आकार के देखना, तो उसमें मैंने सारे कारण दिए हैं कि क्या कारण थे, वाकई सती प्रथा थी या नहीं थी या कुप्रथा थी, क्योंकि हम तो प्रथा कहते चले आ रहे हैं, मैं उसमें बता कर दूंगी इस वीडियो में, तो उसे देखने की कोशिश करना, उसमें बताया है मैंने पूरा सती प्रथा के बारे में। उसके बाद में आता है आपका जौहर प्रथा। जौहर प्रथा और सती प्रथा में डिफरेंस था, ये डिफरेंस था कि सती प्रथा में ये जरूरी नहीं है कि महिला की मर्जी हो अपने पति के सैया के साथ लेटने के लिए। जौहर प्रथा में क्या था कि अगर पति युद्ध पे गया है और वहां से खबर नहीं आई उसकी कि वो मतलब उसकी डेथ हो गई है युद्ध पे, वो शहीद हो गया है, तो उसके लिए जौहर प्रथा, जो महिलाएं होती थी वो जौहर कर जाती थी, और सबको पता है राणा प्रताप के रानी पद्मिनी ने जौहर किया था जो राणा प्रताप की दादी थी, ठीक है। उसके बाद देवदासी प्रथा थी। देवदासी प्रथा क्या थी, ये देवदासी प्रथा पश्चिम भारत में प्रिवेल करती थी। ये क्या प्रथा थी, इसमें महिलाएं कुंवारी या शादी के बाद विधवा स्त्रियां या जो भी अपनी मर्जी से सर्वस्व भगवान को दान कर देती थी, भगवान के मंदिर में रह करके पूजा करती थी भगवान की, और फिर उनको संसार से कोई मोह नहीं रह जाता था। खैर ये तो इसका सात्विक स्वरूप है, बाकी इसके बहुत सारे कुरूप भी हैं जो हम कभी डिस्कस करेंगे बाद में, कि महिलाएं जब मंदिर में रहती थी तो कहीं ना कहीं कुछ गलत व्यवहार भी उनके साथ होने लगे, लेकिन जो सात्विक स्वरूप ये है वो यही है कि ये अपने आप को
देव की दासी बना लेती थी, भगवान की दासी। जैसे दासी होता ना किसी को सर्वस्व निछावर कर देना, अब मेरा कुछ भी नहीं है, मेरी सांसें भी आपकी हैं, तो वो होता है दासी। और देव की दासी यानी अब हमने अपना सर्वस्व भगवान को निछावर कर दिया है, देवता को निछावर कर दिया है। सर देवदासी की एक खास बात थी, ये जितने भी नृत्य आए हैं ना, जितने भी कल्चरल नृत्य आप देखते हो, ये सब देवदासी प्रथा से ही उपजे। फिर विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देखो विधवा पुनर्विवाह अपने यहां से वेदों के काल से प्रिवेल करता था। आप पता है वेद में एक कहानी बताई गई है जिसमें एक स्त्री का पुरुष, स्त्री का पति की डेथ हो जाती है जब उसकी, तो वो जाके अपने पति के पास लेट जाती है और वो कहती है कि स्वामी मुझे भी ले चलो या फिर मुझे बताओ कि अब मैं को जन्म दूंगी। मेरा तो कहते हैं ना कि स्त्रियों का जन्म अधूरा रह जाता है अगर वो अपने जीवन काल में किसी भी पुरुष या किसी भी मतलब किसी भी संतान को जन्म ना दे। ऐसा हमारे वेदों में कहा गया है कि अगर कोई स्त्री अपने पूरे जीवन काल में किसी भी संतान नहीं देती है तो उसका जीवन अधूरा रह जाता है। खैर तो वो जाकर के अपने पति के पास लेट जाती है और कहती है कि कैसे मेरा जीवन पूरा होगा, कैसे मतलब मेरा तो जीवन ही अधूरा रह गया, अब मैं श्रृंगार कैसे करूंगी, अब मुझे जरूरत की वस्तु कौन लाके देगा। सात वचनों में होता है ना कि तीनों कालों में साड़ी ब्लाउज लाके देंगे, तीनों कालों के कपड़े देंगे, हमेशा साथ देंगे। सात वचन कभी देखना, मैं पढ़ाऊंगी वैसे सात वचन भी इसमें। तो सातों वचन वो अपने सातों वचन गिनाने लगती है अपने पुत्र को, तो वहां वो अपने पति को, तो वहां पर ये लिखा गया है कि ये वेदों में मान्य है कि जो भी उनके खानदान परिवार या रिश्तेदार में कोई भी पुरुष जो ये इच्छा रखता हो उस स्त्री से शादी करने के लिए, तो वो आता है और आकर के उनका हाथ पकड़ता है लड़की का, वो जो लेडी रो रही होती है, और कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें पुत्र दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा जिससे तुम्हें संतान मिले, या मैं तुम्हें तीनों मौसमों के कपड़े दूंगा। तो ये वेदों में मान्य है। अब ये तो वेदों में मान्य था, लेकिन ये तो एंशियंट में मान्य था, तो मिडिल एज आते आते इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि विधवाओं का विवाह ही नहीं, दोबारा विवाह नहीं करेंगे। तो ये तो राजपुताना काल की बात कर ली हमने। अब करते हैं दूसरे हिस्से की, जो मुसलमान के शासन काल में किया गया, जिसमें इस्लामिक धर्म की भी हमें झलक देखने को मिलती है। तो इस्लामिक समाज कैसा था, देखो इसमें कोई दोराहे नहीं होती है कि सत्ता जिसकी होती है पूरे समाज पर उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है 10% 20% 25% डिपेंड करता है, लेकिन हमेशा ही, अरे एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन को ले लो, अगर छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में मालिक, सपोज दैट उसका मालिक पूरा ऑर्गेनाइजेशन में सारे मोहम्मदन है, ठीक है, लेकिन उसका मालिक हिंदू है और वो पूजा पाठ कर रहा है, तो अब वो प्रसाद बांटेगा तो सबको खिलाएगा ना, सब खाते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिसमें सभी लोग किसी एक धर्म के हैं लेकिन मालिक दूसरे धर्म का है, तो मालिक अपने दूसरे जिस धर्म का मालिक है उसके जो भी रिचुअल्स करेगा वो सभी लोग करेंगे, क्योंकि वो एक कॉमन फेनोमेना हो जाता है सभी उस पर, और वो मर्जी से करते हैं सब। अब सोचिए जब शासन पूरे भारत पे ही शासन किसी एक, तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर ही दिखेगा, जाहिर सी बात है। तो मूल सिद्धांत जो थे उनमें, अब देखो ऐसा क्यों, देखो इस्लामिक धर्म की एक सबसे खास बात क्या है, वहां पर वो एक भगवान को मानते हैं, एक पैगंबर को मानते हैं, एक ही ग्रंथ को मानते हैं, वो एक ही ग्रंथ को पवित्र मानते हैं। तो कहीं ना कहीं जब किसी एक ही चीज को मानोगे तो समानता होगी। जैसे इसमें कंपेयर कर लो हिंदुओं से, जैसे हिंदू में अगर आप देखोगे कि कोई शिव जी का भक्त है तो उसकी रूपरेखा अलग टाइप की होगी, अगर उसने शिव जी में वो रम गया है, शिव जी में लीन हो गया है, तो उस का पहनावा भी अलग होगा। वही कोई कृष्ण जी का भक्त है और कृष्ण जी में लीन है तो उसका पहनावा अलग होगा, इसके बात करने का लहजा अलग होगा, इसकी चीजें अलग होंगी, उसकी चीजें अलग होंगी। तो ये होता ही होता है, ठीक है। लेकिन इस्लामिक में क्या है, उन्होंने एकेश्वरवाद को ही मान्यता दी है, तो वहां कहीं ना कहीं आपको समानता दिखेगी, ठीक है। धर्मांतरण, इसमें कोई दोराहे नहीं कि जब
राम धर्म भारत में आया तो उसने बहुत तेजी से धर्मांतरण किया, और उसने कराया ही नहीं, यहाँ के लोगों ने अपनी मर्जी से किया भी। क्यों किया? देखो उसके रीजन है। जब हम इसको पढ़ रहे थे राजपूताना समाज को, तो हम पढ़ रहे थे कि यहाँ सामंतवादी प्रथा थी। यहाँ पर जो वर्चस्व था ना, वो ब्राह्मणों का था, क्षत्रियों का था, उसके बाद वैश्य का था, और उसके बाद में कायस्थ का था। क्योंकि वैश्य और कायस्थ ये सब ऐसी होती हैं जो हैं, और व्यवसायी वर्ग हमेशा से ही अपने जगह बनाए रहता है समाज में। उसके बाद जो सबसे निचला वर्ग, जो शूद्रों को मानते थे कि कर्म करना इनका दायित्व है, ये तो काम करने के लिए ही पैदा हुए हैं, ब्राह्मणों की सेवा करना तो इनको फल मिलेगा, क्षत्रियों के शरण में रहेंगे तो इनको मोक्ष मिलेगा, ब्राह्मणों के पैर दबाएंगे तो ब्राह्मणों को दान देंगे, ना जाने क्या क्या। खैर किसी एक पर्टिकुलर उस पर नहीं जाती हूँ, लेकिन सब चीजें आप लोगों को पता है, ठीक है। तो अब जो शूद्र जिन्हें दबाया, जिनसे हमेशा कहा गया कि आपको आप तो सेवा के लिए ही बने हो, आप सेवा करोगे तो ऐसा होगा, हम लोगों ने अपने टाइम में भी सुना है कहते हुए, अरे सर आप तो ब्राह्मण देवता हो, आप जो कह दो वो सत्य हो जाएगा, कहते हैं लोग, ठीक है। तो वो जो है आपका शूद्र जो दबाए हुए थे, जिनके अंदर थोड़ी सी सद्बुद्धि आई, उन्होंने क्या कहा, यहाँ कोई ये नहीं कहेगा कि हमारी सेवा करो, तुम्हारा तो धर्म है मेरी सेवा करना। तो उन्होंने अपनी मर्जी से धर्मांतरण किया। उसके बाद पर्दा प्रथा में थोड़ी बढ़ोतरी आई। आज भी हमें देख सकते हैं कि इस्लामिक जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उसमें महिलाओं को कितना ज्यादा पर्दे में रखा जाता है। यहाँ भी जो भी कट्टर मुसलमान हैं उनके लिए ये बात कही जाती है। इसमें कोई मैं ऐसा कह रही हूँ कि उसमें कुछ भी बुरा फील करो, लेकिन जो सच है, समाज को हमें उसी आईने से देखना पड़ेगा जिस आईने से वो क्लियर दिखे, तभी हम आंसर्स लिख पाएंगे, तभी हम वाकई समाज को समझ पाएंगे, तभी उसके लिए अच्छा या बुरा जो भी है सोच पाएंगे, ठीक है। तो हिंसा में कमी आई। हिंसा में कमी का क्या तात्पर्य है? देखो जो मुस्लिम व्यक्ति जब यहाँ आक्रमण के लिए आए, आक्रमणकारी, तो जाहिर सी बात वो कहीं ना कहीं हिंसक प्रवृत्ति के होंगे, तभी तो आक्रमण करने आए। अब इसमें एक होता क्या है, देखो हमेशा कहते हैं कि आपके खान पान से, आपके रहन सहन से, आपके भौगोलिक वातावरण से ही आपकी बुद्धि का डेवलपमेंट होता है, आपके अंदर हार्मोन्स डेवलप होते हैं, आप उसी तरीके से रिएक्ट करते हो। जैसे बहुत गर्मी हो और कोई नॉर्मल सी बात हो, कोई कहते कितनी गुस्सा आ जाती है, वही हम आराम से चिल्ड एसी में बैठे हो, अब कोई कोई भी बात कहे क्या बुरा लगता है हमें? नहीं लगता ना। तो हमारा रिएक्शन क्या था? गर्मी में थे हम, अंदर से गुस्साए हुए थे, और किसी ने कुछ कह दिया हमने उल्टा रिएक्ट कर दिया, होता है ना। तो सेम ऐसे जब मुस्लिम जिस कंट्री से बिलोंग करते थे या जैसा इनका खान पीन है, ठीक है, जैसे अगर हम इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज्यादा जब हम मीट मछली का सेवन करते हैं या इस टाइप की चीजों का सेवन करते हैं तो हमारी हार्मोन्स का विकास कुछ ऐसे होता है कि हमें उत्तेजना ज्यादा आती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि हमेशा ही अनाज का भी सेवन नहीं करते वो ऋषि मुनि जो हमेशा खुद ब्रह्मचर्य को पालन करना चाहते हैं। चलो इस पर लंबी चर्चा है करेंगे, लेकिन सोचना क्यों ऐसा होता है, ठीक। तो हिंसा में कमी आई, क्योंकि एक और भी कारण होता है, जब भी हम किसी से मिलते हैं, देखो आपको पता है ब्रिटिशर्स से कहीं ज्यादा मुस्लिम भारत के लिए अच्छे थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश जब भारत में आए तो उन्होंने भारत को एज अ व्यापार इस्तेमाल किया, यहाँ से चीजें ले गए, वो कभी भी यहाँ बसने नहीं आए थे। लेकिन मुस्लिम मुस्लिम जब यहाँ आए तो मुस्लिम ने भारत को अपना लिया, यहाँ के कल्चर को अपनाया, अपना कल्चर दिया उन्होंने, अपना लिया। तो जाहिर सी बात है जब कोई किसी को अपनाता है तो वो हमारे लिए भाई जो विकास करेगा वो यही करेगा, जो कमाएगा यही तो खर्च करेगा ना। तो इसलिए ठीक है वो अलग अलग डिस्प्यूट हैं, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ब्रिटिश काल से कहीं ज्यादा मुगल काल ठीक था, ऐसा बहुत सारे हिस्टोरियन कह गए हैं, मैं कुछ नया नहीं कह रही हूं। तो अब विदेशियों द्वारा भारतीय खान पान, ये देखिए अगला पॉइंट भी वही आ गया, विदेशी यानी जो मुस्लिम्स आए थे उन्होंने यहाँ के खान पान को भी अपनाया, ठीक है, उन्होंने भी लौकी तोरई कद्दू खाना सीख लिया, ठीक है, और हमने भी उनके खान पान को अपनाया, कुछ कल्चर हमने अपना दिया उन्हें, कुछ उन्होंने हमारा कल्चर दिया, इसीलिए तो हम गंगा जमुनी तहजीब कहने लगे,
उसके बाद आता है इंडो इस्लामिक संस्कृति का प्रचार हुआ। जाहिर सी बात है, इंडियंस और इस्लामिक संस्कृति एक साथ रहने लगे, उसका प्रचार प्रसार हुआ। कुछ अच्छाइयां उन्होंने हमारी अपनाई, कुछ बुराइयां अपनी छोड़ी, कुछ अच्छाइयां हमने उनकी अपनाई, कुछ बुराइयां हमने अपनी छोड़ी। अच्छा, मैंने गंगा जमुनी तहजीब पर एक वीडियो भी बनाया है, थोड़ा उसको देखिएगा, उसमें आपको समझ आएगा कि गंगा जमुनी तहजीब क्या थी। पुराना आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा। तो ये था मध्यकाल का समाज, ठीक है। मध्यकाल के समाज को फिर से देख लेते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, राजपूत समाज और इस्लामिक समाज। इसकी अच्छाइयां बुराइयां हमने बताई और इसकी अच्छाइयां बुराइयां हमने बताई, ठीक है। अब इन सभी के मिश्रण से जो बनता है उसे कहते हैं इंडो इस्लामिक सांस्कृतिक कल्चर का, या इंडो इस्लामिक कल्चर का प्रचार। उस टाइम इसका प्रचार प्रसार हुआ, उसी टाइम जब इंडो इस्लामिक की बात चल रही थी उसी टाइम आपके कई सारे अलग अलग एकेश्वरवाद का काफी प्रचार हुआ, कई सारी अलग अलग टाइप की वो अलग अलग टाइप के समाज सुधारक उपजे जिन्होंने सूफीवाद भक्तिवाद का रूप लिया। भक्तिवाद और सूफीवाद पे काफी कविताएं लिखी गई, काफी उस पर उसके पर गाने वगैरह, सूफी गाने वगैरह भी लिखे गए। तो वो एक इसी टाइम आपका पुनर्जागरण चल रहा था यूरोप में। तो जब भी हम इसे पढ़ते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर शिक्षा और वैज्ञानिक सोच का पिछड़ापन था, तो इससे ये आपका यूरोप से कोरिलेट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? ओके, थैंक यू।